हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। और बच्चों, क्या हाल चाल हैं? तो बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ लिया था कि फोटोपीरियडिज्म क्या होता है और वर्नलाइजेशन क्या होता है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा बातें जो हैं वो इस चैप्टर के रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं कि जैसे आखिर सेनेसेंस क्या होता है और उसके टाइप क्या होते हैं। बच्चों, सेनेसेंस क्या होता है वो तो हमने पढ़ा हुआ है, वो आपको पता भी है कि सेनेसेंस जो होता है वो होता है प्लांट के पार्ट की एजिंग होना। प्लांट के अंदर डिफरेंट पार्ट जो है उनका एज उनके अंदर एजिंग होना, उसी को हम बोलते हैं सेनेसेंस। तो मैच्योर होने के बाद में प्लांट पार्ट जो है वो सेनेसेंस शो करते हैं। कौन कौन से टाइप के? वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि सिक्वेंशियल सेनेसेंस, शूट सेनेसेंस, साइमल्टेनियस सेनेसेंस और होल प्लांट सेनेसेंस। तो बच्चों, सिक्वेंशियल सेनेसेंस का मतलब क्या है कि प्लांट के अंदर जो सेनेसेंस होगा वो एक सीक्वेंस में होगा। जैसे अपर पार्ट जो है वो तो प्लांट का ग्रो कर रहा है और लोअर पार्ट जो है वो ओल्डर होते जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से जो मोस्टली पेरेनियल प्लांट्स होते हैं उनका अपाइकल मेरिस्टेम जो होता है उनकी एक्टिविटी से न्यू लीफ वगैरह बनते जाते हैं और ओल्डर लीफ और लेटरल ऑर्गन जो होते हैं वो डेड होते जाते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंशियल सेनेसेंस। एग्जाम्पल मैंगो, यूकेलिप्टस। ठीक है बच्चों, शूट सेनेसेंस क्या होता है कि यदि प्लांट के अंदर कोई अंडरग्राउंड पार्ट है तो वो सर्वाइव करता रहेगा, अपर पार्ट जो होगा वो फ्लावरिंग के बाद में, फ्रूट बनाने के बाद में क्या हो जाएगा, वो डेड होने लग जाएगा, वो एजिंग शो करेगा और अल्टीमेटली डेड हो जाएगा। ऐसा कहाँ पे देखने को मिलता है? जिंजर, बनाना, ग्लैडियोलस। जो अंडरग्राउंड पार्ट है वो सर्वाइव करता है, अपर पार्ट जो है शूट जो है वो सेनेसेंस शो करता रहता है। इसके बाद में साइमल्टेनियस सेनेसेंस और सिंक्रोनस सेनेसेंस। इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें प्लांट जो होता है उसकी लीव्स जो है, सारी लीव्स जो है वो एक साथ में क्या हो जाती हैं? सेनेसेंस शो कर देती हैं। ऐसा पर्टिकुलरली सीजन के अकॉर्डिंग, और ऐसा ऑटम सीजन में होगा। जब हम देखते हैं ऑटम सीजन के अंदर सारे जो लीव्स होते हैं प्लांट के वो शेड ऑफ हो जाते हैं, इस टाइप का सेनेसेंस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस सेनेसेंस। एग्जाम्पल डेलबर्जिया, मैपल। ठीक है बच्चों, एंड द होल बॉडी सेनेसेंस या होल प्लांट सेनेसेंस होता है जिसके अंदर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के बाद में सारा का सारा प्लांट जो होता है, कंप्लीट प्लांट जो होता है वो एक साथ में सेनेसेंस शो करता है। एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों? एग्जांपल है राइस, मस्टर्ड, वीट। ठीक है बच्चों, तो ये सेनेसेंस के टाइप हो गए। अब बच्चों, इसके बाद में एक और भी बात हम करते हैं कि आखिर एब्सीसन क्या होता है। तो बच्चों, एब्सीसन होता है प्लांट के अंदर लीव का या फ्रूट का जो पार्ट जो है उनका नेचुरली शेड ऑफ होना, उनका सेपरेट होना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एब्सीसन। एब्सीसन जो होता है बच्चों, उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे जो लीफ होती है या फ्रूट होता है उसके अंदर एब्सीसन लेयर का फॉर्मेशन होता है। एब्सीसन लेयर कैसा लेयर होता है? एब्सीसन लेयर होता है कि प्लांट में दो लेयर बनते हैं पास पास में। एक लेयर जो होता है उसको हम सेपरेशन लेयर बोलते हैं और दूसरा जो होता है वो होता है प्रोटेक्शन लेयर। तो जो सेल्स होते हैं उनके बीच में जो मिडिल लैमेला है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट का मिडिल लैमेला होता है, वो डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। और ये डिजॉल्व होगा तो क्या होगा बच्चों? ये कुछ इस टाइप से लेयर बनने लग जाएगी, वीक लेयर, और ये यहाँ से टूट जाता है। और जस्ट जो सेकेंड लेयर है यहाँ पर, उस सेकेंड लेयर में क्या होगा बच्चों? यहाँ पर सुबेरीन का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा और क्या बन जाएगी? एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, वो सुबेरिनाइज्ड और लिग्निफाइड होती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से प्लांट के अंदर लीफ या फ्रूट जो है उनके टूटते या फ्लोरल पार्ट जो उनके शेड ऑफ होते टाइम क्या होता है? मिडिल लैमेला जो होती है वो डिजॉल्व हो जाती है एब्सीसिक एसिड के इन्फ्लुएंस में और ये पार्ट यहाँ से डिटैच हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एब्सीसन। और दो डिस्टिंक्ट लेयर जो होती है वो सेपरेशन लेयर, अपर लेयर, और प्रोटेक्टिव लेयर जो लोअर लेयर होती है वो होती है। ठीक है बच्चों, और बच्चों इसके बाद में हम देखते हैं प्लांट मूवमेंट। तो बच्चों, प्लांट मूवमेंट क्या होता है कि हम देखते हैं कि प्लांट वैसे तो सेसाइल है, प्लांट जो है वो अपनी जगह पे मोस्टली फिक्स रहते हैं, लेकिन कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म या प्लांट पार्ट की बात करें तो उनके अंदर मूवमेंट भी होती है। वो या तो इलोंगेट होते हैं या वो कंप्लीट बॉडीली मूवमेंट शो करते हैं। तो इस टाइप से प्लांट के अंदर जो मूवमेंट होता है वो दो मेन टाइप का हो सकता है, तो वाइटल मूवमेंट होगा और या फिर वो फिजिकल मूवमेंट भी हो सकता है। फिजिकल मूवमेंट में किस टाइप के मूवमेंट आएंगे? जैसे हम देखते हैं जीरो चेजी या हाइड्रोचेजी की, प्लांट की कोई पार्ट जो है उसका ड्राई होकर के फट जाने से, एंथर का ड्राई होकर के ब्रेक हो जाना, तो वो किस टाइप का मूवमेंट होगा? वो फिजिकल होगा। तो वाइटल मूवमेंट जैसे टेक्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट, ये सब वाइटल मूवमेंट में आएंगे, और चेजी, हाइड्रोचेजी, जीरो चेजी, ये सब फिजिकल मूवमेंट में आएंगे। तो बच्चों, ये जो मूवमेंट होते हैं प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप के, उनको हम एक एक करके देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन।
मोमेंट ऑफ लोकोमोशन में क्या होगा, प्लांट पार्ट या पूरा का पूरा प्लांट जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर जाएगा, ऐसे मोमेंट को हम क्या बोल देते हैं, मोमेंट ऑफ लोकोमोशन। ठीक है बच्चों, और मोमेंट ऑफ लोकोमोशन जो है वो दो टाइप का हो सकता है बच्चों, ऑटोनॉमिक टाइप का ऑटोनॉमस मूवमेंट और दूसरा हो सकता है इंड्यूस्ड और पैराटोनिक मूवमेंट। तो ऑटोनॉमिक मूवमेंट में अमीबॉइड मूवमेंट स्पायरो वगैरह के गैमेट्स में देखने को मिलता है, सीलियरी मूवमेंट सीलिया की हेल्प से क्लेमाटोमोनास मूव कर। तो बच्चों सीलिया फ्लैचुला जो है उनकी वजह से जो मूवमेंट होगी उनको हम सीलरी मूवमेंट बोलते हैं यहाँ पर, और क्लेमाटोमोनास और युगलिना जूस्पोर इनके अंदर फ्लैजिला होते हैं, इनके हेल्प से मूव कर सकते हैं। साइक्लोसिस बच्चों मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड द वैक्यूल, और इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक होता है रोटेशन और एक होता है सर्कुलेशन। बच्चों क्या होता है ये, जैसे कि सपोज कोई प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल है एक सेंट्रल वैक्यूल, तो इस वैक्यूल के अराउंड जो मूवमेंट होगा किसका, साइटोप्लाज्म का, उसको बोलेंगे हम रोटेशन। यदि बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल हो तो क्या बोल देंगे, सर्कुलेशन। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप की मूवमेंट जो है वो हाइड्रिला वेलिसनेरिया ट्रेडिशकेंसिया में सर्कुलेशन जो है वो देखने को मिल सकता है। ट्रेडिशकेंसिया जो है उसके स्टिमिनल हेयर में ऐसा होता है। और इंड्यूस्ड मूवमेंट क्या होगी, जहाँ पर ये तो खुद से हो रहा था बाय इंटरनल स्टिमुलस, यदि कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस है तो उसकी वजह से होगा क्या, इंड्यूस्ड मूवमेंट, जैसे फोटोटेक्टिक मूवमेंट। और बच्चों ये ध्यान रखेंगे आपकी कंप्लीट बॉडीली मूवमेंट जो होता है उसको हम टेक्टिक बोलते हैं, और यदि कोई पार्ट इलोंगेट होता है तो हम उसको ट्रॉपिक बोलते हैं। तो फोटोटेक्टिक कीमोटेक्टिक या थर्मोटेक्टिक, मतलब कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव कर जा रहा है यदि लाइट की वजह से तो बोलेंगे फोटोटेक्टिक, यदि केमिकल की वजह से तो कीमोटेक्टिक, टेम्परेचर की वजह से थर्मोटेक्टिक। तो इस टाइप से टेक्टिक मूवमेंट जो होती है वो प्लांट्स में देखने को मिलती है। इसके बाद में सेकंड टाइप देखिए बच्चों, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर की वजह से जो मूवमेंट होता है वो कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, यानी इसके अंदर प्लांट का मेन प्लांट जो होगा वो तो फिक्स्ड होगा लेकिन कोई पार्ट या ऑर्गन जो है वो उसका इलोंगेट होगा या उस साइड में ग्रो करेगा। ऑटोनोमस जो खुद से हो रहा है फिर से विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, जैसे हम बोलते हैं डेस्मोडियम गायरेंस प्लांट जो होता है, इंडियन टेलीग्राफ प्लांट जो होता है उसके अंदर लीफ जो होती है उनके अंदर डांसिंग मूवमेंट होती है, किसकी वजह से, टर्ग प्रेशर की वजह से। तो ये किस में आएगा, ऑटोनोमस में। ऐसे ही एपिनास्टी हाइपनास्टी मूवमेंट ऑफ लीफ और फ्लोरल बड की, एक सरफेस की ग्रोथ ज़्यादा होगी दूसरे की कम होगी, तो इस वजह से क्या होगा, कर्वेचर टाइप का मूवमेंट होने लग जाएगा, उसको बोलते हैं हम एपिनास्टी। यदि अपर सर्फेस की ग्रोथ ज़्यादा हो तो नीचे की तरफ बैंड हो जाएगा, और यदि नीचे वाले सरफेस की तरफ ग्रोथ ज़्यादा हो तो ऊपर की तरफ बैंड होगा, और इस टाइप की मूवमेंट होती है एपिनास्टी एंड हाइपोनास्टी। इसके बाद देखो बच्चों, इंड्यूस्ड और पैराटोनिक मूवमेंट, एक्सटर्नल स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर। एग्जाम्पल है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अब फोटो ग्रेविटेशन की वजह से जो हो रहा है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक जो होगा वो स्टेम के अंदर, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक रूट के अंदर। ऐसे ही हम ग्रेविटी की वजह से बोल सकते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म जो है वो रूट के अंदर प्रेजेंट होता है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म जो होता है वो स्टेम या मैंग्रोव वेजिटेशन जो है उनके रूट में होता है। ठीक है बच्चों, और रूट कैप जो है वो हेल्प करता है जियोट्रॉपिज्म के स्टिमुलस को रिसीव करने में। ठीक है बच्चों, ऐसे ही कीमोट्रॉपिक मूवमेंट की बात करें तो पॉलन ट्यूब जो है वो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, हम फंगल हाइफी जो है वो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट शो करते हैं। थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट कौन शो करते हैं, टेंड्रिल्स या होस्टोरिया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही कुछ जो इंसेक्टिवरस प्लांट होते हैं उनके अंदर भी थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट होती है। हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, रूट्स ऑफ सीडलिंग वाटर की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद बच्चों नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है कि यहाँ पर जो है वो नॉन डायरेक्शनल टाइप का मूवमेंट होता है, ये इसको हम नेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं, डिफ्यूज टाइप का मूवमेंट होगा। निक्टी नेस्टी, जैसे रात में हम देखते हैं कि स्टोमेटा क्लोज जो है या फ्लावर जो है वो क्लोज हो गए, स्लीप मूवमेंट जो होती है उसको हम निक्टी नेस्टी बोलते हैं। टच की वजह से जो मूवमेंट होगा वो थिग्मोनेस्टी हो जाएगा, इंसेक्टिवरस प्लांट के अंदर थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट होता है, या हाइपोनेस्टी। कीमोनेस्टी होता है टेंटिकल्स ऑफ इंसेक्टिवरस प्लांट। सीस्मोनेस्टी, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों की माइमोसा प्यूडिका जो होती है उसके लीफ को जब हम छूते हैं तो वो क्या होता है, बंद हो जाती है, और ऐसा रग प्रेशर वेरिएशन की वजह से होता है, किसके अंदर, पल्विनस के अंदर, उसमें कैल्शियम आयन जो है उनका, सॉरी पोटेशियम आयन जो होंगे उनका रोल इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है बच्चों, और बहुत सारे प्लांट जो होते हैं उनके अंदर एपिनास्टी हाइपोनास्टी न्यूट्रिशन मूवमेंट होती है। बच्चों न्यूट्रिशन मूवमेंट जो होती है वो क्या होती है, न्यूट्रिशन मूवमेंट इज जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्टेम, एक पार्ट पे ग्रोथ ज़्यादा हो रही है दूसरी साइड में कम हो रही है, तो न्यूट्रिशन। यदि वही स्पायरल फॉर्म में हो जाए, मतलब सपोज ये स्टेम है, सपोज इसके अंदर ये वाले पार्ट की ग्रोथ ज़्यादा है ये वाले पार्ट की ग्रोथ कम है, तो क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से बैंड होने लग जाएगा। यदि और ज़्यादा ग्रोथ, और यदि कंटिन्यूस ऐसा रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से ग्रोथ करते करते
कुछ ऐसे ही स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना देगा। टेंड्रिल जो होते हैं बच्चों, उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो किस टाइप की होगी, वो मोमेंट जो है वो सरकम न्यूट्रिशन में आएगी, ठीक है बच्चों। और हाइग्रोस्कोपिक मोमेंट वाटर लॉस करने की वजह से, जीरोचेजी यानी जो सूख के फट जाता है उसको हम बोलते हैं जीरोचेजी ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, और वाटर एब्जॉर्ब करके बस्ट होना क्या हो जाएगा वो होगा हाइड्रोचेजी। रोयलिया फ्रूट जो होता है उसके उसका डिहाइसेंस जो है वो हाइड्रोचेजी की वजह से होता है, ठीक है बच्चों। और बच्चों इसी के साथ में जो एक इक्विपमेंट होता है क्लाइनोस्टेट, आपने नाम सुना भी होगा, क्लाइनोस्टेट एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो ग्रेविटी को नलीफाई करने के लिए काम में आता है, या यदि हमको एक्सपेरिमेंट करना है जहाँ पे ग्रेविटी को हमें नलीफाई करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक इक्विपमेंट जिसको बोलते हैं हम क्लाइनो स्टेट, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जैसे सेनेसेंस और एब्सिशन और प्लांट के अंदर ग्रोथ मूवमेंट जो होते हैं, मूवमेंट जो होते हैं, वो सारे हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। अब बच्चों इस चैप्टर के रिलेटेड हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखिए, वीवीपैरी क्या होती है बच्चों। बच्चों वीवीपैरी होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर फ्रूट जो है वो गिरने से पहले जब प्लांट पे होंगे उसी टाइम पे वो जर्मिनेट होने लग जाते हैं, यानी फ्रूट जब प्लांट पे होता है तभी जर्मिनेट होने लग जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, यानी इसके अंदर जो सीड है वो तभी जर्मिनेट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नॉर्मली जो सॉइल होता है उसकी सैलिनिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पर ये फ्रूट जर्मिनेट नहीं हो सकता है, सीड जर्मिनेट नहीं हो सकता है, तो ये सीड प्लांट के ऊपर ही जर्मिनेट हो जाता है। तो बच्चों सीड जर्मिनेशन विद सबटेरेनियन, रॉन्ग, कॉटिलेडन से रिलेशन नहीं है इसका। तो सीड जर्मिनेशन इनसाइड द फ्रूट वाइल द फ्रूट इज स्टिल अटैच्ड टू द प्लांट, तो इसको बोलते हैं हम वीवीपैरी, ठीक है बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन देखो, रेड लाइट प्रोमोट सीड जर्मिनेशन इन, तो लाइट जो होता है वो सीड जर्मिनेशन को भी प्रमोट करता है बच्चों, फाइटोक्रोम PFR जो होता है उसकी वजह से ऐसा होता है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा कौन कर रहा है? ऐसा होगा उन प्लांट्स के अंदर जिनको हम बोलते हैं, उन सीड्स को जिनके जिनको बोलते हैं हम फोटोब्लास्टिक सीड्स, यानी कुछ सीड भी ऐसे हैं जिनको जर्मिनेट होने के लिए भी लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, रेड लाइट के प्रेजेंस में वो जर्मिनेट हो जाएंगे, और उनको वो उसका एग्जाम्पल है लेट्यूस। तो बच्चों ध्यान रखोगे लेट्यूस जो है वो फोटोब्लास्टिक सीड है और रेड लाइट इसके जर्मिनेशन को प्रमोट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट और डार्क ड्यूरेशन आर, लाइट और डार्क ड्यूरेशन को के स्टिमुलस को रिसीव कौन करता है बच्चों? ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है फोटो पीरियडिज्म के रेस्पॉन्स की। तो फोटो पीरियडिज्म जो होता है उस रेस्पॉन्स को, उस स्टिमुलस को कौन रिसीव करता है? तो फोटो पीरियडिज्म का स्टिमुलस जो है वो मैंने आपको बताया भी था, स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय लीव्स, लीव्स के थ्रू, क्योंकि हमने ये बात तब की थी जब वर्नलाइजेशन की बात करते हैं, तो वर्नलाइजेशन का स्टिमुलस जो है वो तो शूट और रूट अपेक्स जो है उनके थ्रू रिसीव होता है, बट फोटोपीरियडिज्म जो है उसका स्टिमुलस लीव्स के थ्रू रिसीव होगा, ठीक है बच्चों। और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, द लीफ ऑफ माइमोसा पीडिका ड्रूप डाउन ऑन टच बिकॉज, जब हम छुईमी को छूते हैं तो उसकी लीफ जो होती है वो ड्रूप हो जाती है, वो लटक जाती है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा होता है टर्गर प्रेशर वेरिएशन की वजह से, पल्विनस जो लीफ बेस होता है इसका वो स्वॉलन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पल्विनस। तो पल्विनस के अंदर जो लीफ बेस के अंदर जो टर्गर प्रेशर में डिक्रीज हो रहा है या चेंज आ रहा है उसकी वजह से वो ड्रूप होती है, ठीक है बच्चों। फेरुलिक एसिड जो है वो सीड जर्मिनेशन का इनिबिटर है बच्चों, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि फेरुलिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होता है जो और सीड जर्मिनेशन को इनिबिट करता है? ऐसा टोमेटो के पल्प में होता है बच्चों, सीड कोट में नहीं, पल्प में होता है, ठीक है बच्चों। और मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द व्यूल इन एंजियोस्पर्म्स, तो पॉलन ट्यूब जो होता है आपको पता है कि अपाइकल पोर्शन के थ्रू कुछ इस तरीके से ग्रो करता है ओव्यूल की तरफ, जहाँ पर क्या होते हैं, जहाँ पर दो मेल गैमेट होते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस होता है। तो ये जो मूवमेंट होती है टिप से उसको हम क्या बोलते थे बच्चों? इस मूवमेंट को हम बोलते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। तो पॉलन ट्यूब जो है वो क्या कर रहा है? वो कीमो नॉट टैक्टिक सॉरी कीमोट्रॉपिक मूवमेंट कर रहा है, ट्रॉपिक मूवमेंट, कीमोट्रॉपिक, तो कीमोट्रॉपिक में आंसर होगा बच्चों। और इसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे ब्रायोफाइटा टेडोफाइटा में जो मेल गैमेट होता है बच्चों, वो मेल गैमेट जो है वो कैसे मूव करता है? वो मेल गैमेट फ्लैजेला के थ्रू स्विम करता है, कंप्लीट बॉडीली मूवमेंट होती है उनके अंदर, और ये कंप्लीट बॉडीली मूवमेंट जो होती है वाटर के अंदर स्विम करके उसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम कीमो टैक्टिक मूवमेंट।
तो बच्चों कीमोटेक्टिक मूवमेंट जो होता है वो होता है ब्रायोफाइटा टेटोफाइटा के अंदर, और कीमोट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है वो होता है बच्चों किसके अंदर, वो होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर। तो बच्चों इसी के साथ में हमारा चैप्टर जो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया। मुझे लगता है आपको ये चैप्टर जो है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।